गाइज वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। और आज हमने व्लॉग स्टार्ट करा है 4:30 पे। क्यों पता है? क्योंकि हमें मम्मी ने सुबह सुबह झटका दे दिया था कि तुम लोग घर वापस आ जाओ आज। तो सुबह से मेरे पर डिप्रेस्ड है, पर तो रो रहा है उसको घर नहीं जाना। और हम सुबह से ना तरकीबें निकाल रहे हैं मम्मी को पटाने की कि हमें यहाँ पे और रहने दो। तो फाइनली शाम को मम्मी पट गई, पर हमने पटा दिया मम्मी को। और अब ने सुबह से व्लॉग नहीं बनाया क्योंकि पर और मैं दोनों गुस्से में बैठे हैं कि नहीं जाना हमें। क्या हेयर कट करा लिया है, और देखो ये पता नहीं मुझे समझ नहीं आते हेयर कट कराते ये दो हाईवे क्यों बना के ले आते हैं। देखो वो रोड पे हाईवे कम है जो तू दो ही अपने सर पे बना लेता है। वो जो हेयर कट करवा के आया, साथ में कान भी कटवा के आया। अपने लोग नाक कटवाते हैं पर ने अपने कान कटवाए हैं। देख नहीं रहा बट कान ना ये कान कटवा के आया। वैसे अम्मा मुझे बुला रही है, ये अम्मा हमारे लिए बना रही है नूडल्स। मम्मी को ना जिन दिन ने अम्मा के हाथ के नूडल्स खाए हैं ना, वो आज ये वीडियो देख के मतलब उनके मुंह में पानी आने वाला है और वो मिस करने वाले हैं अम्मा के हाथ के नूडल्स। और मम्मी के तो फेवरेट है। और जो लोग भी मैं मासी या किसी से भी मिलती हूँ ना तो वो ये कहते हैं अम्मा आपके हाथ के नूडल्स खाने का मन कर रहा है, अम्मा के हाथ के नूडल्स खाने का मन कर रहा है। अब राज किया आपके नूडल्स के इतने टेस्टी होने का? कुछ नहीं है, सिंपल है। कुछ नहीं है फिर भी इतनी यम्मी, वाह क्या बात है। राज अब पूछा था ना आपने, बताओ ये प्यार से खिलाता है, अच्छा लगा दिल से प्यार से और उसके ऊपर से थोड़ा सा अंडा। पर्व की नए इयररिंग्स देखो, दिखाना। अरे नहीं मैंने तो ऐसे लगा लिया, वो मिला मैंने ऐसे लगा लिया। दर्द नहीं हो रहा? जोकर लग रहा है, बिल्कुल कार्टून लग रहा है मेरे को। दर्द रेड येलो ये पर्स के देखो क्या कबाब बन रहे हैं। ओ केले के लिए लोग कबाब खा रहे हैं। ये एलिस्टर भी अकेले बना रही है। अम्मा पर्स के लिए कबाब बना रही है। हाँ तो मेरे लिए अच्छा, एलिस्टर भी अकेले कबाब बन रहे हैं। ओ मुझे लगा इन जनाब के लिए कबाब बन रहे हैं। मैंने थोड़े से और मांगे क्या तो। क्या है मेकअप नहीं करते रात को? मैं रात में मेकअप नहीं कर रही, मैं अपनी नाइट क्रीम लगा रही हूँ जो बहुत। ये नाइट क्रीम और मॉर्निंग क्रीम क्या होती है? अरे तू कैमरा को पर्स को कैमरा भी पकड़ना नहीं आता, एकदम मुंह के पास लेके आ रहा है। इतनी भी दूर नहीं पर नाइट हम रात में लगाते हैं और वो स्किन के लिए बहुत अच्छी होती है, इसलिए लगानी चाहिए। मेरे को तो यही नहीं पता नाइट क्रीम कौन सी होती है और मॉर्निंग क्रीम कौन सी होती है भाई। हमारे गांव में बोलते हैं अगर पीकॉक चिल्लाते हैं तो बारिश होती है, लेकिन पीकॉक तो 3-4 दिन से चिल्ला रहे, बारिश तो नहीं हो रही। होनी चाहिए वैसे, क्योंकि पीछे बहुत जोर जोर से चिल्ला रहा था पीकॉक। शाम के 7 बजने वाले हैं, पीछे ना पीकॉक दिख रहे हैं। और बच्चे पता घर पे नहीं है, बच्चे तो बहुत इंजॉय कर रहे हैं, आना भी नहीं चाह रहे। आज सुबह से वही हो रहा, आ रहे नहीं आ रहे। मतलब बहुत गुस्सा किया मैंने आज के आ जाओ, कल पर का एग्जाम भी है। लेकिन फाइनली ये हुआ कि वो नहीं आए। उनको अम्मा अप्पा के घर इतना अच्छा लगता है ना कि बस मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकती, आप ब्लॉग के थ्रू आपको पता ही चल सकता है कि वो कितना खुश है वहां पे। बस सच बताऊं ना, बच्चों के बिना ना अच्छा भी नहीं लग रहा यहाँ बिल्कुल भी ना, मेरा तो मन ही नहीं लग रहा। वो तो इतना मैं बिजी थी अब काम में तो पता नहीं चल रहा था, लेकिन फिर भी शाम होते होते ना मिस करना शुरू कर देती हूँ उनको ना। बच्चों की याद आ रही है तुम्हें? आ रही है कि नहीं? बच्चों की मुझे याद आ रही है, लेकिन तुम्हें बच्चों की याद क्यों आ रही है? तुमने क्या बॉर्डर पे भेजे हैं भाई? अरे बच्चे अम्मा अप्पा के पास ही गए, बॉर्डर पे नहीं गए, तो डोंट वरी। ये देखो आज मैंने ना टाइम पे खाना बनाया, तो आज तुम्हें भूख नहीं लग रही होगी। अभी तो खाना खिलाया तुमने, दो मिनट पहले, आधा घंटे पहले खाना खिलाया। तो कल भी ऐसे ही खिलाया था मैंने आधा घंटे पहले। क्या बनाया? पानी था नहीं और तुमने इतना दिमाग खराब कर रखा था, तुम्हें भाना चाहिए लड़ने का बस।
ओहो, तभी मैं कहूँ पर्व कल कैसे घुटना पकड़ के चल रहा था, दिमाग खराब था ना इसलिए। किसका? तुम्हारा। देखो, मन में ना चीज आ रही है तो मैं, मुझे लगा कि मैं आप लोगों के साथ शेयर कर लेती हूँ ना। जैसा कि पता ही है कि प्रदीप की तबीयत खराब हो गई थी, नॉर्मल से आजकल ना स्टोन ना नॉर्मल ही है, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, हमें हॉस्पिटल में जाके ही पता चला। बट एक चीज ना ब्लॉग के थ्रू इतनी खूबसूरत हुई है हमारी लाइफ में ना, कि मुझे एहसास हुआ कि इंसान ना पैसा तो सभी कमाते, सबके पास होता है, लेकिन मुझे ऐसे लगता है यार लोग कमाने बड़े मुश्किल है। पैसा तो आज आपके पास है, कल मेरे पास है, वही पैसा आज किसी और के पास चला गया, किसी के पास टिकता नहीं है। बट अगर हमने लोग कमाए ना, जिंदगी और आसान और बहुत खूबसूरत हो जाती है। और ये चीज मुझे पता चली मतलब जब प्रदीप बीमार हुए थे ना, तब मुझे पता चली थी यार कितने लोगों ने ना फोन की, अब तक सोचो अपना कंसर्न दिखा रहे हैं। तो वही है कि लोग कमाने बहुत जरूरी है, जो आपके हर सुख में दुख में काम आए ना। आज तो कपल है, मोरनी वो बैठी है इधर, छोटी वाली मुंडेर पे, बड़ी वाली मुंडेर पे मोर बैठा है, लेकिन लग रहा है दोनों में झगड़ा हो गया। झगड़ा हो गया, मुंह फुला के बैठे मोर, मोरनी दोनों मुंह फुला के बैठे हैं। हाँ लग रहा है। अब ये देखो, मुझे लग रहा है, ये लग रहा है पिकॉक ना, पिकॉकनी को मनाने जा रहा है, मोर मोरनी को मनाने जा रहा है। दो पिकॉक और एक पिकॉकनी है ना। अच्छा, जैसे भाव खा रही है वो पति पत्नी, और वो पति पत्नी और वो भाव खा रही है, इसलिए ऐसे चल रहे हैं। उड़ गया। सो गाइस, आज का ब्लॉग हम यही एंड करते हैं। सो गाइस, आज का ब्लॉग हम यही एंड करते हैं। सो डू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल व्हिच इज कृति कुमकुम चौधरी। स्टे होम, स्टे सेफ, बाय बाय, टाटा। और इसने मेरा काम ले लिया, ये ब्लॉग एंड करने का काम भी ले चुका है ये हथियार।